तो मैं और ये जो गुजरावाला में आज जलसे पे बात हुई, मौलाना साहब तशरीफ लाएंगे, मुझे बहुत खुशी है कि गुजरावाला में इन्होंने दावत कबूल भी की, तशरीफ भी लाएंगे। पीडीएम का जलसा है, मैं बिलावल भुट्टो जरदारी को भी इंशाल्लाह खुद इसकी दावत दूंगी। तो आप देख रहे हैं कि कल भी ये खबर आई, परसों भी आई कि जो गुजरावाला का जलसा है, अभी जलसे शुरू नहीं हुए, अभी ये पीडीएम का पहला जलसा है और गुजरावाला की पूरी इंतजामिया को तब्दील कर दिया गया। और क्योंकि शायद वो इंतजामिया एक हद से आगे जाने को तैयार नहीं थी, अवाम के बिलमुकाबिल खड़े होने को तैयार नहीं थी, अवाम का एक सेंटिमेंट बन रहा है उसके आगे खड़े होने को तैयार नहीं थी, तो इंतजामिया को तब्दील कर दिया गया। आप जितनी मर्जी इंतजामिया तब्दील करें, जितनी मर्जी जोर जो है वो आप लगा लें, जो मर्जी ताकत आप इस्तेमाल कर लें, इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ ये जलसे कामयाब होंगे, ये तहरीक कामयाब होगी, बल्कि इंशाअल्लाह ताला ये जो फैसला है कि अब हुकूमत कौन करेगा, अवाम का वोट जो है वो उसकी हुर्मत की जाएगी, ये फैसले अब ड्राइंग रूम्स में नहीं होंगे, ये साजिशियों के पास नहीं होंगे, ये फैसला इंशाअल्लाह ताला अवाम करेगी। और उसके बाद ये जो आइन की दीवारें फलांगने का जो सिलसिला है इसको अब ख़त्म होना होगा। तो इंशाअल्लाह ताला जो अवाम की उम्मीदें हैं उसका मरकज पीडीएम है, अवाम ने अपनी उम्मीदें जो हैं वो पीडीएम से एसोसिएट कर दी हैं, तो मैं अवाम को इस बात का यकीन दिलाती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला पीडीएम नवाज शरीफ साहब की क़यादत में, मौलाना साहब की सरबराही में और बाकी सब पार्टीज के साथ मिलकर इंशाअल्लाह ताला आपकी उम्मीदों को टूटने नहीं देगा। शुक्रिया बहुत बहुत।